फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मारिया और आज जो मैं आप लोगों के साथ अपनी सिंपल रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो है दाल मसूर की, यानी कि ब्राउन वाली दाल, जो सबकी बहुत फेवरेट है, मेरी भी है। तो मैंने पहले से इसको भिगो के रखा था कम से कम 2 घंटे के लिए नीम गर्म पानी में, और साफ़ करके निथार करके अब मैंने इसको धो के देखिए में डाल लिया है। मैंने लहसुन के जवे डाल दिए, अदरक डाली है बारीक करके थोड़ी सी, और लहसुन के जवे कम से कम 10 से 12। मैं इसमें मसाले ऐड करने लगी हूँ। सबसे पहले मैं डालूँगी अपनी हल्दी 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च डालूँगी कम से कम 2 टीस्पून, और 1 चम्मच अपने धनिया का। और अब इसको मैं भून दूँगी। अब फ्रेंड्स, इसकी आँच देख लीजिए, कम से कम नॉर्मल हीट पे, इसको कम से कम इस हीट पे 1/2 घंटे के लिए पकाना है। उसके बाद जो है इसका पानी भी खुश्क हो जाएगा, और फिर हम इसमें इमली और नमक बाद में ऐड करेंगे, अभी नहीं। फिर उसके बाद हम इसकी भगवा प्रिपेयर करेंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए कि मेरी जो दाल है वो हो रही है एक तरफ, और इस तरफ मैं दूसरी तरफ जो है इसकी भगवा तैयार कर रही हूँ। इसके लिए मैंने लिया है कम से कम 1 बड़ी प्याली जो है मैंने ऑयल ले लिया है, लहसुन ले लिए और ज़ीरा ले लिया। अब इसको मैं इस तेज़ आंच पे जो है अच्छी तरीके से लहसुन को ब्राउन करूँगी। जब तक मैं अपनी दाल थोड़ी सी चलाऊँगी, थोड़ी सी इसकी आँच स्लो कर दूँ। ताकि ये उड़े नहीं, इसको हल्का हल्का चलाएं। इसको काफ़ी देर इस तरह करते रहें दोई के साथ, जब तक हमारा बघार तैयार हो रहा है, जब तक। ओके फ्रेंड्स, देखिए मेरी दाल हो गई है और मेरे लहसुन भी तकरीबन जो है रेडी है, बघार जो है ब्राउन हो गई है। अब मैं इसको इसमें डालूँगी। ओके फ्रेंड्स, मेरी ऑलमोस्ट दाल रेडी है, आप देख सकते हैं। आई होप कि आज की मेरी सिंपल रेसिपी आप लोगों को पसंद आई हो, और आई होप कि आप लोग इसको शेयर भी करेंगे और इसको सब्सक्राइब भी करेंगे। मुझे आप लोगों की रिक्वेस्ट मिल रही हैं, एंड आई वेरी थैंकफुल दैट यू आर लाइकिंग इट माई ऑल रेसिपीज़। एंड थैंक यू, बाय बाय।